Dear students, welcome on RCI online Pathshala. Now we start a new topic. Properties of modulus and other important results. देखिए कुछ properties हैं वो आपके modulus पर based हैं और कुछ properties किस पे हैं जो आपके important results हैं उन पर based हैं. तो देखिए पहला Z1 upon Z2 अगर कहीं भी दिखाई दे तो आप क्या करोगे modulus of Z1 upon modulus of Z2. देखिए इन पर बेस्ड क्वेश्चंस तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में कराऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला मुलाज को आप यहीं पर ही याद कर लें, आपके लिए बेस्ट रहेगा. और सेकंड ये आए कैसे ये आपको जब क्लास में आओगे तब बताऊंगा. देखिएगा जेड और इसका अगर अंदर में एन है तो आप मोड जेड की पावर एन और यहाँ लिखोगे वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन. कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर है. उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा ध्यान दो, अगर कहीं भी आपको मोड जेड का स्क्वायर लिखा मिले तो आप क्या बोलोगे उसको जेड जेड बार. ठीक है. और ये फोर्थ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. देखिए इफ इफ मोड जेड इक्वल टू वन है तो क्या होगा जेड बार इक्वल टू वन अपॉन का जेड. ठीक है. मोड जेड इक्वल टू वन, यहां तक का आप एक बार स्क्रीनशॉट लें. ठीक है. इफ मोड जेड इक्वल टू वन तो जेड बार इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन जेड. ये आया कैसे, देखो इसको आप यहां पे रख के देखो तो ये वन बन गया है ना. तो यहां से क्या हुआ जेड जेड बार इक्वल टू वन, तो जेड बार इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन जेड होगा या नहीं होगा. क्लियर है यहां तक. अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और देखो ये नंबर फिफ्थ है. देखो इफ मोड जेड इक्वल टू वन देन देखिए इफ मोड जेड इक्वल टू वन, अब ध्यान दो जेड इनवर्स इक्वल टू क्या होगा जेड बार. ठीक है. ये आता कैसे है अब उसको समझना. देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया होगा पहले जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर. ठीक है. और ये मोड जेड क्या है वन, तो जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन में वन का स्क्वायर, तो क्या आया जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार. ठीक है. तो मैं एक काम करता हूँ इसको तो हटा देता हूँ, आपको केवल और केवल ऐसे याद करना है. ठीक है. अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर छः, जेड वन प्लस जेड टू का बार है तो आप क्या लिखोगे जेड वन बार प्लस जेड टू बार. ऐसे ही अगर जेड वन माइनस जेड टू का बार है तो जेड वन बार माइनस जेड टू बार. लिखिए इन सबको एक बार. उसके बाद जेड हो माइनस जेड हो आयोटा जेड हो या माइनस आयोटा जेड हो या फिर आपका जेड बार हो, इन सब की वैल्यूज क्या होंगी हमेशा इनका मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या आएगा इक्वल ही आने वाला है. ठीक है. और एक और लिख लो नाइन्थ, जेड वन जेड टू है
तो जेड वन और जेड टू यू लिखेंगे। ध्यान देना, इसके अंदर प्लस माइनस नहीं लिखा है मैंने, तो चेंज हो जाएगा। आपको केवल इतना बताया है जेड वन और जेड टू का अगर मैग्नीट्यूड दे रखा है तो आप उनको अलग कर सकते हो। तो ये आपको नौ फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने, और ये नौ फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद हैं तो जब आप इन मॉडुलस या फिर इन रिजल्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे तो आपको किसी में भी कोई भी डाउट आने वाला नहीं है। तो आप इन्हें अच्छे से क्लियर कर लें, याद कर लें।